ये देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं डुलुंग नदी की ओर। मंदिर के सिर्फ ठीक लेफ्ट साइड पे ये रास्ता है इधर बना हुआ जाने के लिए। और ये देखिए इस तरफ, ये पूरा जंगल के बीचों बीच ही है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों का नाम लिखा हुआ है। और इस तरफ है शायद रास्ता, ये देखिए ये वाला ठीक मेरे पीछे, तो इधर होगा ना। अरे चलो यार, कहीं तो कम से कम निकलेंगे ना। चलो सीधा ना, सीधा। ये देखिए यहाँ पे बैठने का स्थान बना हुआ है। और पेड़ों की लताएं देखिए किस तरीके से हैं। ये जगह सब में, लेकिन आने का मौका मिल जाए यही बहुत है। ये देखिए यहाँ पे एक शायद वेटिंग हॉल या पता नहीं क्या बनाया गया है, एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है वहाँ पे। और ये फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं नदी के पास। ये देखिए ये वाला है डुलुंग नदी। और कहा जाता है कि जब माँ का स्थापना किया जा रहा था तो वहाँ बलि दिया गया, और जब तक ही नहीं वो रक्त यहाँ तक पहुँच गया तब तक वो जो बलि है वो चलता रहा, इसके बाद ही बलि रुका। ये देखिए इस तरीके का कुछ नज़ारा है यहाँ का। यही नदी है, बहुत चौड़ी नदी नहीं है, पतली सी नदी है। शायद बारिश के टाइम पे और ज़्यादा इसमें पानी आता होगा, लेकिन अभी तो इतना ही है। तो अब हम लोग उस ओर जा रहे हैं, वो वहाँ पे। और हाँ कौन सा, हाँ उसको लेके चलो। और ये देखिए यहाँ किस तरीके का नज़ारा है। अच्छा उधर लोग बाग नहा रहे हैं, इसलिए उधर का फुटेज लेना सही बात नहीं है। और इन्हीं पत्थरों के ऊपर से होते हुए हम लोग चल रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे जहाँ धारा बह रही है। और देखते हैं जाके अगर हम लोग पार हो पाते हैं तो उस पार हो करके वहाँ से आपको दिखाएंगे कि इधर का नज़ारा कैसे दिखता है, तो बढ़िया से समझ में आएगा। और ये देखिए इधर पानी बहुत गंदा हो चुका है ये पीछे, और इस तरीके का पूरा जंगल है। ये एक टाइम पे राजा का प्रॉपर्टी हुआ करता था, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी। और हाँ इधर से पार तो किया जा सकता है पत्थर पत्थर होते हुए। ये मैं पार कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके का है पूरा। अरे बाप रे, पत्थर खसकता भी है। आराम आराम से, तो एक मिनट। यस मैं पार कर गया और अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ। अच्छा इस तरफ में पानी वैसे ज़्यादा है नहीं, मे बी पार करने का हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, अच्छा वही चीज़ ना, मैं चप्पल उतार लेता हूँ, मैं देखता हूँ स्लीपरी तो होगा ही थोड़ा बहुत। हाँ स्लीपरी उस लायक नहीं है। ये देखिए पानी में उतरा हूँ, इस ओर जा रहा हूँ मैं। हल्का फुल्का स्लीपरी भी है ये, तो आराम आराम से जाना है अपने को, है ना। और ये रहा, ये देखिए इस तरीके का नज़ारा है यहाँ से। हाँ अच्छा वो देखिए कोई है वहाँ पे नहा रहा है, और ठीक ठाक पानी है यहाँ यहाँ तक का, मतलब इधर भी ऐसा ही पानी होगा। हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी तब जाना सेफ नहीं है। और ये देखिए यही है पूरा डुलुंग नदी। यहाँ पे देखिए सिर्फ आवाज़ ही आ रहा है पानी का, और इतना बढ़िया लग रहा है ना ये कि पूछिए मत। मतलब कभी भी अगर मन अशांत हो ना, यहाँ पे आके बैठ जाइए और सिर्फ नदी का आवाज़ सुनिए, मज़ा आ जाएगा आपको बिल्कुल ही। वैसे यहाँ पे एक चीज़ देख के साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि बारिश के टाइम पे ना शायद ये पत्थर वगैरह तक पूरा पानी पहुँच जाता होगा यहाँ का। और अभी तो लेकिन बहुत ही ज़्यादा पथरीला है। हमें पहले ये लगता था कि शायद सुवर्ण रेखा से ज़्यादा पथरीला नदी और कोई सा भी नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पे देख के हमारी ये गलतफहमी दूर हो रही है। अभी मैं कर रहा हूँ इसको पार, स्लीपरी है और थोड़ा सा नाखून में मुझे चोट भी लगा, लेकिन खैर धीरे धीरे से कर लेते हैं इसको पार। और हाँ
ये हो गया नदी पार। और अब फाइनली यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वापस मंदिर की ओर। वो तो पार भी कर चुकी हैं, मुझे पार करना है और चप्पल भी गीला है मेरा। तो ये पत्थर हिल रहा है क्या, ये वाला इसमें नहीं। इसमें ना अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो ये तो हिल रहा है, ये हिल रहा है, ये वाला अच्छा ठीक है। फिर ये वाला ना, फिर ये वो नहीं, उसके बाद वाला पहले, अच्छा ये वाला। कोई एक आते वक्त में ना कोई एक उलट गया था जैसे, ठीक है। हाँ हाँ चलो ठीक है ठीक है। और मैं सेतु पार कर लिया हूँ। चलिए, अरे बाप रे, बच बचा के इधर भी चलना है। ये देखिए इस तरफ में जो आपको रेलिंग दिख रहा है ना, ये जब मैं बहुत पहले आया था तो ये सब कुछ था नहीं। और ये जो बढ़िया सा भी घाट बना हुआ है ना इधर, ये जो सीढ़ी उड़ी, ये सब भी नहीं था। लेकिन चेंजेस हो रहा है, अच्छा है, बढ़िया है। आने वाले टाइम पे शायद ये और भी अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ये देखिए वो जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, ये सब भी नहीं था, ये सब बाद में बना हुआ है। और मुझे जहाँ तक ध्यान है ना, इस तरीके का गेट सिस्टम ये सब कुछ भी नहीं था। सीधा सीधा लोग आ जाया करते थे, माँ का दर्शन और इसके बाद सीधा आ जाओ। और यहाँ पे लोग पिकनिक मनाया करते थे, अभी पता नहीं मनाते हैं या नहीं। ये देखिए यहाँ पे मिला हमें एक नल, यहाँ पे अब धो लेंगे पैर। अरे वाह, पानी भी आ रहा है। हाँ क्योंकि ना कादा कादा हो गया ना पैर, इसलिए मुझे धोना पड़ेगा। हाथ भी धो ही लेता हूँ, जब पैर धो रहा हूँ तो हाथ क्यों बचे भाई। हाँ पैर हाथ धोना हो गया है, अब चलते रहते हैं, अब चलते हैं हम लोग। और ये देखिए यहीं से माखा मंदिर दिख रहा है, वो जो आपको थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दिख रहा होगा ऑरेंज ऑरेंज, वही है माता का मंदिर। देखते हैं जाके कि मंदिर का कपाट खुला या नहीं। लगता नहीं है वैसे खुलेगा, क्योंकि 9:30 हमें बताया गया, 9:30 to 10, और अभी 9:22 हो रहा है, यानी कि 8 मिनट के बाद। अगर खुल जाए तो बढ़िया है, पूजा वूजा कर लेंगे और इसके बाद फिर चलेंगे कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि गिधनी बार बार तो हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ और काम भी नहीं पड़ा है, ठीक है। बस माँ का दर्शन के लिए ही आए थे और थोड़ा सा इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, क्योंकि भाई अपना तो काम ही यही है।